सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेवन फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी फोटो वीडियो फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो पूरा फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो जितने भी सारे वीडियोज़ हैं उनको हाइड कर सकते हैं, या फिर आपकी गैलरी में जितनी भी सारी फ़ोटोज़ हैं उनको कई फ़ोटो सेलेक्ट करके उसको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जब चाहे, और वो जो आपका एक यहाँ पर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो उस एप्लीकेशन को भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एप्लीकेशन भी नहीं दिखेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई है। क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन दिखा और उसमें कोई पासवर्ड रहा और अगर आपने उसको पासवर्ड नहीं बताया तो उसको शक हो जाएगा, इसलिए वो अपन को एप्लीकेशन भी हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम पहले प्ले स्टोर पर चलेंगे, प्ले स्टोर पर जाके हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे गैलरी वॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे गैलरी वॉल्ट, ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से आएगा, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये वाला दिया हुआ है, थर्ड वाला गैलरी वॉल्ट हाइड पिक्चर्स एंड वीडियोस, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इसका लोगो, और यहाँ पर इसका जो रेटिंग है 4.5 का है। इट इज़ सो अमेजिंग एंड वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर योर प्राइवेट फाइल्स। देखो यहाँ पर इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इसका पढ़ सकते हैं किस तरह से है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका दिया हुआ है किस तरह से इसको यूज करना है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि आप किस तरह से अपना अपने जो डायलर होता है अपना, जिससे हम फ़ोन करते हैं, उससे आप बाय द हेल्प ऑफ दिस उसको आप, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मांग रहा है कि स्टार्ट यूज टू यूज गैलरी वॉल्ट, प्लीज़ अलाउ द ऐप टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड। तो यहाँ पर हम लोग ग्रांट परमिशन दे देंगे, अलाउ कर दीजिएगा यहाँ पर, और वेलकम टू स्टार्ट टू यूज़ यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड रखना होगा, तो आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1111, आप कोई भी 4 अंकों का पासवर्ड ले सकते हैं। ऐसे ओके कर दीजिएगा और कन्फर्म योर पासवर्ड, आप फिर से फिल कर दीजिएगा वही पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फोल्डर मिल जाते हैं कि माय पिक्चर माय वीडियोस कार्ड्स एंड आईडीज, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ। अगर आप कोई और फोल्डर बनाना चाहते हैं अपना कोई पर्टिकुलर नेम से, तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पर आ गया न्यू फोल्डर, न्यू एड अदर फाइल्स एड वीडियोज एड पिक्चर्स टू, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे न्यू फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर दे दूंगा नाम, ठीक है, हेमंत, हेमंत देता हूँ, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा फोल्डर बन गया हेमंत, और यहाँ पर अपना कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं माई पिक्चर्स पर यहाँ पर क्लिक किया करूँगा तो नो पिक्चर और वीडियोस, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एड अदर फाइल्स एड वीडियोज़ एड पिक्चर्स, तो एड पिक्चर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैमरा पर जाऊँगा, तो ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, तो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ये मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन फ़ोटोज़ को मैं हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए अब ये क्या होगा, हमारा ये सारी पिक्स मेरी हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये मेरी पिक्चर्स, गॉट इट, यहाँ पर देखिए मेरी पिक्चर्स हाइड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी ये पिक्चर्स हाइड हो गई, अब मेरी ये जो गैलरी है वहाँ पर ये पिक्चर्स नहीं दिखेंगी, यहाँ पर हाइड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं माय वीडियोस पर जाता हूँ, माय वीडियोस पर यहाँ पर प्लस पर कर दिया और ऐड वीडियोस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसको हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं डाउनलोड पर जाता हूँ, डाउनलोड पर जाके मैं इस वीडियो को हाइड करना चाहता हूँ, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका यहाँ पर हाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर पिक्चर से हाइड हो गई, यहाँ पर वीडियोस हाइड हो गया, या और भी जो आपका मोबाइल में डेटा है उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाइड करने का मेथड। अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हैंडली टूल्स, ये यहाँ पर आपको वेरियस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट ब्राउजर यूज करना है, स्मार्ट ऐप लॉक हो गया, प्राइवेट स्पेस हो गया, और कलर्स हो गया, और रिसाइकल मास्टर अपग्रेड टू प्रो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ सेटिंग्स, ठीक है, तो सेटिंग्स पे जाना है आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड आइकन्स दिया हुआ है। हम क्या चाहते हैं
कि हमारा जो ये ऐप है वो हमारा डिस्प्ले ही ना हो, वो देखेगा नहीं तो क्या कि हमको किसी को दिखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर और भी कुछ था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑफ है, यहाँ पर हम इसको ऑन कर दे देंगे, इसको स्टिल यूज। और यहाँ पर देख सो, यहाँ पर अपना डायलर पे आप कर सकते हैं लॉन्च फ्रॉम डायलर, यहाँ से अपना डायलर पे हाइड कर सकते हैं। तो ट्राई कर लीजिएगा, इसको ग्रांट कर दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा इसको, और जस्ट वंस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना हैज़ वन, ये क्या था हमारा 111 इतना था, तो कर दिया हम लोगों ने। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा खुल गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्राइड हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट डायलर शॉर्टकट हो गया। अब हम इसको क्या है कि एक हो गया हमारा, यहाँ से हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इतना दिया हो ट्राई, ओके, ये हमारा हो गया, एक हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप बाय द वे ये वर्क ना किया तो आप दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आप चल सकते हैं यहाँ पर, तो ये देख लीजिएगा, हम ये कर लेते हैं मैनेज स्पेस बेस्ट है। तो यहाँ पर ट्राई पर जाइएगा, ट्राई करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाइएगा, एप्लीकेशन पर जाएंगे तो जहाँ पर आपका गैलरी वॉल्ट होगा यहाँ पर दिया हुआ है, गैलरी वॉल्ट पर जाके स्टोरेज पर जाइएगा, स्टोरेज पर जाके मैनेज स्पेस दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड है वो फिल कर दीजिएगा, जैसे 1111, ओके। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, तो इस तरह से दो हो गया। यहाँ पर दिया हुआ हाइड आइकन, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लिख दिया कि हाइड ऐप आइकन सक्सेसफुली, ओके। तो हमारा जो ऐप है वो अब हाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऐप था यहाँ पर हाइड हो चुका है, यहाँ पर आपको कहीं ऐप नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहीं हमारा ऐप नहीं है, ठीक है। पहले देखो डी हो गया, फिर यहाँ पर एफ जी, यहाँ पर गैलरी हो गया, ग्लोबल लोट हो गया, और जीमेल गूगल गूगल, लेकिन यहाँ पर गैलरी वॉट नहीं है, हमारा हाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको फिर से देखना तो देखो हम यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पर ये स्टार डबल बार हैज लिखना है, और अपना जो पासवर्ड है 1111, तो उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये आपका खुल के, देखिए ये आपका खुल के आ गया। अब यहाँ से अपनी पिक्स देख सकते हैं आप, और यहाँ से आप अपना जो चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका माई वीडियोज़ है, माई वीडियोज़ यहाँ पर खुल के आ गया, ठीक है। और इस तरह से आप इसको हाइड कर दिया, ठीक। अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से आप सेटिंग पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर सेटिंग्स पर जाइएगा, यहाँ पर हाइड आइकन दिया हुआ है इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टिल यूज़ इसको ऑफ कर देंगे तो आपका जो आइकन है वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किधर, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए ये गैलरी बोर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं, देखिए गैलरी बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो अगर क्या होगा, कोई व्यक्ति इसको खोलेगा तो वो पासवर्ड पूछेगा कि इसका पासवर्ड क्या, तो मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी हम हाइड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली टेक्निकल से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।